और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपल्स नेवर वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबर्स और उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में। आप लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं पीपल रेवर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, ये पीपल रेवर वेलफेयर सोसाइटी क्या करती है और क्या क्या प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं यूनिटी उत्सव 2021 नाम से बताइए। ये हमारे क्लब के सेक्रेटरी जनाब अवैस अहमद वारसी साहब के गार्जियनशिप में हम लोग ने ये फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर हम लोग यूनिटी उत्सव नाम दिया है और हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम हमारा जो प्रोग्राम है वो 19th मार्च से स्टार्ट होगा। आज इसका 14th मार्च को ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, ट्रॉफी डिस्प्ले एंड टूर्नामेंट का लॉटरी हुआ है। 19th मार्च को हमारा 10 AM हमारा स्वच्छ कानी हाउस अभियान है, जहां हम लोग कानी हाउस को क्लीन एंड ग्रीन करने के तरफ हमारे सारे मेंबर्स उस दिन रहेंगे। हम लोग इसको करेंगे और एजुकेट करेंगे यहां के रेसिडेंट्स को कि आप लोग रोड में गार्बेज नहीं फेंके और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है हमारे ही बच्चों पर, क्योंकि हम लोग ही यहां रहते हैं। उसके बाद हमारा 3 बजे क्रिकेट टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच होगा। देन 20th मार्च को हमारा सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन सुबह 9 बजे से, 11 बजे से क्विज़ कॉम्पिटिशन है और उसके बाद फिर हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकी का मैचेस होंगे। देन उसके बाद डिफरेंट एज ग्रुप में हम लोग ऑर्गेनाइज ये इवेंट्स करवा रहे हैं, लाइक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन जो है वो 5 to 7 years एंड 8 to 10 years का है। आपका स्पोर्ट्स है, चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स होगा, लाइक उसमें स्पून रेस है 5 to 7 years एंड 8 to 10 years का। देन हम लोग वो जलेबी रेस कराएंगे। अच्छा, इसमें क्या खासियत है जलेबी रेस? देखिए एक्चुअली ये बच्चों का इवेंट है, उनको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, लाइक ऐसा उनको न्यू कहानी है उसमें, तो हम जानते हैं ये न्यू टाइप का चीज़ रहेगा। इवन इन आसपास के मोहल्ले में भी कभी मतलब ऐसा कुछ इवेंट हुआ नहीं है, सो लेट्स सी वी आर ट्राइंग मतलब एंटरटेनमेंट के साथ, ताकि वो अभी यंगस्टर्स हैं उनको स्पोर्ट्स में थोड़ा रुचि हो। स्पोर्ट्स को क्यों आप लोग सेलेक्ट कर रहे, इतना जोर दिया जा रहा है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स पे जोर दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ खास मकसद है बताइए? पीपल रेवर वेलफेयर सोसाइटी ये प्रोग्राम कर रही है और फ्यूचर में भी हमारा जो मेन मोटिव रहेगा टू एजुकेट आवर चिल्ड्रंस, गेट देम बेसिक एजुकेशन, उनको एजुकेशन के तरफ बढ़ाया जाए और साथ साथ स्पोर्ट्स, तो अभी हमारा मोटिव इसी दिशा में चलेगा अलॉन्ग विथ हेल्थ। हमारा बहुत सारा फ्यूचर प्रोग्राम्स है, उसकी भी प्लानिंग्स चल रही है, डॉक्टर्स के साथ हम कंसल्ट कर रहे हैं ताकि वीकली बेसिस में हमारे क्लब में वो आके मतलब जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल, ENT, गायनी, वो लोग आके मतलब वीकली बेसिस में 5-5, 10-10 पेशेंट्स देखें। हम लोग डॉक्टर्स के साथ टच में हैं। देन स्टार्टअप के लिए हम लोगों ने मे बी अप्रैल मंथ से ड्राइंग, फ्री ड्राइंग क्लासेस फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए हम लोग अपना अरेंज करेंगे। ऑलरेडी हमारा यहाँ हमारे क्लब में अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस का स्कूल चलता है, वो क्लास जो होता है वो ऑलरेडी चल रहा है। फ्यूचर अभी हम लोग देखते हैं और हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या हो सकता है बेटर। आपको क्या लगता है ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में और खिदरपुर इलाके में और कौन कौन से सोशल कामों पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए जितना मैं देख रहा हूँ हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे हेल्थ कैंप्स हो रहे हैं, ब्लड डोनेशंस कैंप हो रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, जनाब फिराद हकीम साहब के लीडरशिप में हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा कवरअप हुआ है। आप ही देखे होंगे बहुत सारा यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप्स, मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, बट हमको नहीं लगता स्पोर्ट्स सेक्टर में कुछ किया जा रहा है। सो स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में मैं अभी भी ये मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत बैकवर्ड है और इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा रहा है। सो होपफुली हम लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलेगा अगल बगल हमारे लोकल कॉरपोरेट्स जो हैं उनसे, हमारे लोकल लीडरशिप टीम से। कुडोस टू लीडरशिप टीम ऑन द हेल्थ सेक्टर, हमारा जो भी TMC है जो गवर्नमेंट कर रही है, रियली मतलब हेल्थ सेक्टर में इट्स रियली अप्रिशिएबल, बट अगर आप एजुकेशन देखेंगे और अगर आप स्पोर्ट्स देखेंगे तो नथिंग मच हैज़ बीन डन। आप लोग की टीम का कोऑर्डिनेशन किस तरीके का है, किस तरीके से आप लोग ये प्रोग्राम को अंजाम देंगे? देखिए हमारे जो रूट है वो है जनाब अवैस अहमद वारसी साहब हैं,
उसके बाद हमारे ब्रांचेस हैं, हमारे लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम लोग सब मिल के एक ट्री हैं। तो रूट हमारा बड़ा मजबूत है माशाल्लाह। तो कमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह हम लोग एक फलता फूलता पेड़ आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर लेता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी नेक ख्वाहिशात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप बने रहे हमारे साथ द लोकल जर्नलिस्ट के साथ फर्दर अपडेट्स के लिए, और देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। आप हमें लाइक, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मोहम्मद इकबाल अभी द लोकल जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।